हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूँ नीलम। तो मैं आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए लवली सा फ्रूट डेकोरेशन, जो बहुत ही यूनिक है क्योंकि आप सभी के रिक्वेस्ट पे कि मैं कुछ फ्रूट डेकोरेशन आपको बताऊँ। तो चलिए आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया फ्रूट डेकोरेशन। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिएगा हमेशा की तरह हिट, नहीं तो आप मेरे वीडियोस के लवली लवली नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि मेरे डेकोरेशन, मेरी रेसिपीज, मेरे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रूट डेकोरेशन में सबसे पहले मैं कीवी को कट कर रही हूँ। कीवी हमारा जो ऊपर से जितना हार्ड होता है ये फ्रूट, अंदर से उतना ही सॉफ्ट और जूसी होता है। इसलिए कोई भी फ्रूट अगर आप कट कर रही हैं तो उस समय आपको बिल्कुल तेज़ धार वाले चाकू चाहिए, जिससे कि अगर नाइफ़ आपकी तेज़ धार वाली नहीं रहेगी तो फ्रूट कट करते वक्त तो अच्छे से कट नहीं होगा और उससे जूस बाहर आने लगेगा। तो इस वजह से आप तेज़ धार वाली नाइफ़ का यूज़ करें फ्रूट कट करते वक्त। तो इस तरह मैंने सर्कल सर्कल शेप में ये जो हमारा कीवी है उसको कट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे पोमोग्रेनेट मैंने पहले से निकाल के रखा है और इसे अच्छी तरह इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, पोमोग्रेनेट जो हमारा होता है या कोई भी फ्रूट होता है, बहुत ही इजली तरीके से और सावधानी से इसको डेकोरेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सारे फ्रूट बिल्कुल जूसी होते हैं। अगर थोड़े से भी आप गलत ढंग से इसको प्लेट में रखेंगे तो पूरा प्लेट आपका कलरफुल हो जाएगा और मल्टी कलर का लगने लगेगा। तो इसलिए आप थोड़े से सावधानी से फ्रूट को ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे देखिए रखा है पोमोग्रेनेट और उसके चारों तरफ मैं सर्कल सर्कल न्यू शेप दे रही हूँ यहाँ कीवी का। और मैंने आपको सैलेड में भी, मैं ये बात आपको बताती हूँ कि अगर आप डिप करें तो उसके जस्ट बाद अगर आप लाइट कलर डालेंगे तो आपका जो डेकोरेशन का प्लेट है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसा कि आप देख सकती हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे डाला है पोमोग्रेनेट, उसके जस्ट बाद मैंने कीवी डाला है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज। ये देखिए कितना अच्छा, कितना यूनिक लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से बताऊंगी, क्योंकि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए तो ये फ्रूट डेकोरेशन सही है, बट अगर आपके बच्चे नहीं फ्रूट खाते तो उनके लिए भी ये आप बहुत कारगर है। बच्चे इस तरह डेकोरेट करके देने पर उनको अच्छा लगता है खाना, तो आप उनको भी दे सकती हैं। तो इस तरह मैं ये डेकोरेशन, देखिए मेरा प्लेट तैयार है, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से डेकोरेशन किया है। और बीच में जहाँ मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे मैं ब्लैक, ये सॉरी, ब्लैक ग्रेप्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो इस तरह, और बीच में मैं यहाँ पे ऑरेंज का ये एक फ्लावर शेप दूंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे खाली खाली सा लग रहा था इस वजह से। और आपको तो पता है सैलेड में मुझे बीच में जब तक मैं रोज़ ना रखूँ तब तक ये संभव होगा नहीं। तो ये शेप, ये आपका डेकोरेशन प्लेट का बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कितना सिंपल, कितना यूनिक और कितना ब्यूटीफुल आप प्लेट लग रहा है। तो आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी ये देखिए, क्योंकि मैंने डेकोरेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है और ख़ास तौर से मैंने ये भी बताया कि आपको फ्रूट अगर आप कट कर रही हैं तो किस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, तो जिससे कि आपका जो फ्रूट है वो भी वेस्ट ना हो और आपका मेहनत भी वेस्ट ना हो। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए किसी नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।